पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक माजर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कुव्वत में मजीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में कुव्वत और कम हो गई है। आज तवील अरसे तक पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम पहचान नदीम अफजल चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सन 2008 की असम्बली में एक मुमताज पार्लियामेंटेरियन थे। आज नदीम अफजल चंद ने इमरान खान के साथ मंडी बहाउद्दीन में एक जलसे से खिताब किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने को दिल नहीं था। मैं जब बिलावल भुट्टो को कहता था बिलावल साहब खुदा के लिए असेंबली में आओ अपोजिशन करें, आओ आपकी बाकियात उसके खिलाफ वो कोड़े जो वर्करों ने खाए, वो जेले जो वर्करों ने झीली, शहीद मोहतमा मेहंदी भुट्टो को अदालतों में किसने उड़ाया, जस्टिस के यू के जरिए आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल किसने रखा। अरे हम फिर भी मियां साहब के साथ गुंडी गुंडी खेलते थे। अरे किसने बदला लिया था शहीद मोहतमा मेहंदी भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का साथ इमरान खान पूरे कर रहा है, तो ये नदीम अफजल वादा करता है ये इमरान खान का बांटा सिपाही बन के लड़ेगा। नदीम अफजल चंद से पहले उनके छोटे भाई वसीम अफजल चंद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मामू नज़म मोहम्मद गोंदल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वफाकी वजीर थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। एक झटका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में इसके रद्द अमल के तौर पर, जिसकी इतलात पहले से आ गई थी। फरवरी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था किसी भी पार्टी के लिए जब भी कोई जाता है वो बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया होता है। अगर चंद साहब गया है मेरा तो आई विल बी सरप्राइज कि ये चला गया, इसलिए मैं समझता था कि चंद साहब नज़रियाती था, मगर इफ़ ही इज़ लेफ्ट तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ नज़र आता था और नज़रियाती नहीं था। जो लोग ना अहल नवाज शरीफ के साथ मुखालफत करते थे पंजाब में बैठ कर कहते हैं कि नाइल नवाज शरीफ के साथ हम सियासत नहीं कर सकते, वो नाइल तरीन के साथ कैसे बैठ कर सियासत करें। इस किस्म के हिपोक्रेसी को हम पाकिस्तानी सियासत से निकालेंगे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रियाती सियासत वापस ले आएंगे। दिलचस्प जुमले कहे बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि दरअसल नदीम अफजल चंद नज़रियाती नहीं थे बल्कि नज़र नहीं आते थे, या नज़र आते थे नज़रियाती नहीं थे, और वो अगर नाइल वज़ीर आज़म के साथ नहीं चल सकते थे तो ना अहल तरीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैसे शामिल हो गए। लेकिन आज नदीम अफजल चंद ने इनका जवाब दिया है। मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी का अब तो मैं नजर आती जी अल्लाह हूं, नजर आती नहीं, क्योंकि मेरे साहब का चेयरमैन मेरे भाई जो मेरा पहला इश्क था और रहेगा, अगर नजरिए का नाम भुट्टो इज्म है तो मैं कल भी भुट्टो वाला था, मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, लेकिन अगर नजरिए का नाम शर्जील मेमन है तो फिर मैं माफी चाहता हूं। मुझे अल्लाह ताला कभी ऐसा नजरियाती ना बनाए कि मेरे लोग इन यजीदियों के सामने पिसते रहे, इन यजीदियों के सामने रोते रहे, नदीम अफजल चंद तो खैर आज पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी वाले अहम लोगों का सफर तहरीक इंसाफ की जानिब मुसलसल चल रहा है।
एक नया जन्म ले रही है पंजाब में पीपल्स पार्टी के कलीदी चेहरे जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। पिछले चंद महीनों में पीपल्स पार्टी की साबिक काबीना के कई अहम वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, जिसमें नज़र मोहम्मद गोंदल, फिरदौस आशिक आवान, राजा रियाज, शमसान बुखारी, इम्तियाज सफदर वड़ाइच और बाबर अबान शामिल हैं। ये तमाम लोग वफाकी काबीना के 2008 से 2013 के दरमियान एक बहुत ही मुतहर्रिक अराकीन रहे हैं, लेकिन अब ये पीटीआई में हैं। ये तमाम वो साबिक वुज़रा हैं जब वो वफाकी काबीना में शामिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में 2008 से 2013 तक, तो तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान के नज़दीक ये करप्ट तरीन वफाकी काबीना के करप्ट तरीन अराकीन थे। इनमें से एक एक पर सख्त और कड़ी तनकीद और उनको सख्त कंडमनेशन का निशाना बनाती रही थी तहरीक इंसाफ, लेकिन अब ये उनके सफ़ों के बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं, इनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं, इसीलिए अब इन पर कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है और मुसलसल जारी लम्हा फिक्रिया है। इस पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलाश जनाब चौधरी मंजूर साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, फरमाइएगा। एक और आपके साथी जो है वो चले गए और एक सफ़र है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, ये आपसे निकल के तहरीक इंसाफ में जाने का सफ़र जो है इसकी वजह क्या है? देखिए मेरे नज़दीक तो एक बुनियादी बात, आज मुझे अगर वो एक नाहल तरीन उधर बैठे हुए थे अगर उसको निकाला जाए तो बाकी तो सारे वो लोग थे जो पीपल्स पार्टी में कुछ देर के लिए रहे ज़रूर, लेकिन उनमें से कोई भी बुनियादी पीपल्स पार्टी का नहीं था। ये मेरा ज़ाती तल्लक है इन सब के साथ, जो पूरी लाइन बैठी हुई थी उन सब के साथ मेरा ज़ाती तल्लक है, लेकिन जाती ताल्लुक अपनी जगह पे, लेकिन उनमें से कोई एक भी बुनियादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन या बुनियादी फलसफे या बुनियादी नज़रिए का नहीं था। जो बिलावल साहब ने कहा वो बुनियादी तौर पर नदीम अफसल चांद साहब का फिक्रा है, जो वो हर किसी के मुतल्लक कहते थे तो वो उनको दोहरा दिया उन्होंने, तो उस पर मेरा ख्याल है वो आज ज़्यादातर जो उनकी स्पीच थी वो उनका गिल्ट था जो बोल रहा था। दूसरी बात यह है कि मुझे दुख उस दिन होगा जो जिस दिन कोई पीपल्स पार्टी का बुनियादी आदमी छोड़ जाएगा। आज बिलावल साहब पे तो फिर बहुत अच्छा वक्त है, मुतमा बेनजीर भुट्टो को के पास साथ कौन खड़ा रहा था, उनकी तो सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी छोड़ गई थी। सो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है ये पीपल्स पार्टी पे या पार्टियों पे। अच्छा, ये जो एक मामला है पार्टी से निकलना, एक मामला है पीटीआई में शामिल होना, उसकी क्या वजह लग रही है? पीटीआई में क्या अट्रैक्शन नजर आ रहा है इन तमाम हजरात को? देखिए ना, आज जो बात हो रही थी कि वो साथ तो दिया था 2015 में, तो उस वक्त छोड़ जाते जो लोग उस वक्त छोड़ जाते तो ये बुनियादी वजह हम मान लेते कि वाकयातन उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो उसको बचाया धरने में, तो उसकी वजह से 2014 या 2015 में उस वजह से छोड़ के गए। तो आज तो जाने की वजह सबको समझ आ रही है कि वो इक्तदार के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इक्तदार शायद उधर भी नहीं है, तो फिर किधर जाएंगे? मेरी तजवीज़ है खान साहब कि कम से कम जो बंदा एक पार्टी से दूसरी में जंप करे वो खा पीपल्स पार्टी में आए, उसको एक टर्म के लिए बैन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। वो कम अज कम एक बुनियादी हक है किसी भी फर्द का कि वो अपना नजरिया, अपनी जमात, अपना झंडा जब चाहे बदले, इसको आप इस पे कतवत कैसे लगा सकते हैं? ये तो आपकी पार्टी में कशिश होनी चाहिए कि छोड़े नहीं लोग। मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो वो जो छोड़ते हैं बेसिकली उनका नजरिया होता कोई नहीं है, लेकिन जब हमारे पास होते हैं तब भी कोई नहीं होता। लेकिन जब वो नजरिया नहीं वाले थे तो आपने उनको वफाकी काबीना में क्यों शामिल कर दिया? या आधी से ज्यादा वफाकी काबीना कुछ तो आपके मेरिट होती होगी सर, कोई तो मेरिट होती होगी। काबीना का वजीर जब आप बनाते हैं उसकी कोई बैकग्राउंड होता होगा ना?
یا یہ کہ آپ کے پاس تو 100 سے زیادہ ممبر تھے وفاقی کابینہ کے, اگر یہ ممبر بنے تو ان کی تو کوئی ورث ہوگی خان صاحب؟ نہیں نہیں, کوئی ورث نہیں ہوتی, پولیٹیکل کمپرومائزز ہوتے ہیں. بلاول صاحب نے آ کر ایک اچھا کام کیا, وہ واپس پارٹی جو ہے وہ اوریجنل لوگوں کو دے رہے ہیں. جنرل سیکرٹری ہمارے ہیں جو اس وقت نیر بخاری صاحب ہے, پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ, نثار کھوڑو صاحب, ادھر علی محمد جتک ہیں, ادھر ہمایوں خان ہیں, یا امجد صاحب ہیں, یا چوہ لطیف اکبر, یہ 6 ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. یہ سارے جینون پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ جہانگیر خان ترین صاحب جنرل سیکرٹری تھے, یہ کہاں سے آئے؟ یہ پنجاب کے صدر علیم خان کہاں سے آئے؟ یہ سندھ کے جو لیاقت جتوئی صاحب کہاں سے آئے؟ رند صاحب کہاں سے آئے؟ یہ جو سواتی صاحب ہے وہ کہاں سے آئے؟ سو پیپلز پارٹی نے پارٹی بھی اپنے جینون لوگوں کو دی, تحریک انصاف نے پارٹی بھی ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب چودھری منظور, ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے, وزرائے اعلیٰ بھی اب نیب میں پیش ہو رہے ہیں, اور آج کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نیب کی ایک انکوائری میں پیش ہوئے. الزام یہ ہے کہ مالم جبہ کے ریزورٹ میں اور جو ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوا ہے, جس کو عمران خان نے بھی استعمال کیا ہے, گڑبڑ ہوئی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد اس کی بات کریں گے. ویلکم بیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ نائب اب ہر لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ متحرک ہے. کرپشن اور بے ضابطگیوں کے کیسز میں اب وفاقی وزراء با اثر بیوروکریٹس کے بعد صوبائی وزرائے اعلیٰ کا نمبر آ چکا ہے. سید مراد علی شاہ, سندھ کے وزیر اعلیٰ, شہباز شریف نیب کی پیشی بھگت چکے ہیں. یہ دو وزرائے اعلیٰ تو یہ کام کر چکے ہیں. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا بھی نمبر آ گیا. نیب نے آج پیشی میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے دو معاملات پر پوچھ گچھ کی, اور انہیں باقاعدہ ایک سوال نامہ دیا گیا دونوں معاملات کے حوالے سے. پرویز خٹک پر پہلا الزام یہ ہے کہ انہوں نے سوات کے تفریحی مقام مالم جبہ میں ایک کمپنی کو ہوٹل اور چیئر لفٹ کی تعمیر کے لیے محکمہ جنگلات کی 275 ایکڑ اراضی خلاف قواعد لیز پر دی. پرویز خٹک پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومت کے دو سرکاری ہیلی کاپٹرز عمران خان کو غیر سرکاری دوروں کے لیے فراہم کیے. ان دوروں میں ہیلی کاپٹر کا کرایہ 28,000 روپے گھنٹے کے حساب سے وصول کیا گیا, جبکہ کمرشل کمپنیز ایسے ہیلی کاپٹر کا کرایہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے فی گھنٹہ وصول کرتی ہیں. آج جب ایک طویل وقت گزارنے کے بعد پرویز خٹک نیب کے دفتر سے باہر آئے تو انہوں نے نیب کی اس تحقیقات کا خیر مقدم کیا. ہیلی کاپٹر کا ہے جس میں انکوائری ہو رہی ہے, اور ملم جبہ کا ہے. انکوائری انہوں نے شروع کی ہے, اور ابھی مجھے انہوں نے انکوائری کے وہ دیے ہیں سوالات. اب اس کے ہم جوابات تیار کریں گے. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ احتساب ہونا چاہیے, اور کہیں اور یہ جو ہماری نیب کا احتساب کر رہی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو سے بھی سوال کر سکتے ہیں, اس کا حساب کتاب ہے. تو ہمارے ملک کا سب کا حساب ہونا چاہیے. ہیلی کاپٹر کے ایس او پی ہے ہی نہیں, اس کی ایس او پی کوئی نہیں تھی, اور ٹریڈیشنلی یہ ہیلی کاپٹر منسٹر استعمال کرتے رہے ہیں, آفیسر استعمال کرتے رہے ہیں, تو ایز اے روٹین یہ چلتا رہا. مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے, نارمل طریقے سے استعمال ہوتا رہا. جناب پرویز خٹک کہتے ہیں کہ انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کو کس طرح سے استعمال ہونا ہے, اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے سربراہ جناب عمران خان کے کے پی کے دورے کے لیے اس ہیلی کاپٹر کو ان کے حوالے کیا, اور وہ جناب عمران خان اس سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے رہے. مالم جبہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. اس سے قبل سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں کرپشن کے الزام میں نیب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. جبکہ خبریں یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان کو بھی نیب نے پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہوا ہے. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. آج کے پی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نیب میں کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے تحقیقات کے لیے پیش ہوئے اور سوال نامہ وصول کیا. اب وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے. ان کیسز کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پشاور جائیں گے, جہاں پر ہمارے بیورو چیف صفی اللہ گل موجود ہیں. بہت بہت شکریہ صفی اللہ صاحب. یہ جو مالم جبہ والا کیس ہے, جہاں پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 275 ایکڑ اراضی خلاف قواعد لیز پر دی, اور ہوٹل اور چیئر لفٹ وغیرہ وہاں بنی, یہ بڑا کہ لیوکریٹیو کمرشل پروجیکٹ ہے, اور اس میں الزام جو ہے یہ کرپشن کا اور بدعنوانی کا الزام لگا. کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ جی کامران صاحب,
ये जो मालम जबा का है ख़ास तौर पे, एक तो ये कि ये फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 की जो है वो उसकी वायोलेशन में था, और जिसकी वजह से नैब ने ये तहकीकात कभी की, क्योंकि इनिशियली जो था ये 12 एकड़ के लिए TOR जो बनाए गए थे वो 12 एकड़ के लिए बनाए गए थे, लेकिन एडिशनल 258 जो एकर्स हैं 258 एकड़ वो मज़ीद जो है वो इस कंपनी को दे दिए गए, जबकि यानी और कंपनीज ने भी अपने टेंडर्स जमा किए थे और जमा किए थे वो 12 एकड़ के, लेकिन ये एकदम शेयर वायोलेशन में। दूसरा जो इसमें था वो यही था कि वो फॉरेस्ट का ये जो ज़मीन थी ये कंजर्वेटरी के लिए था और वो रिजॉर्ट के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो वायोलेशन अगेन, यानी वो भी उसमें क्वेश्चन किया गया। तीसरा जो इसमें चीज़ आई है वो ये थी कि ये रिलैक्सेशन जो है वो इसको 15 साल किया और फिर उसको एक्सटेंड करके 33 ईयर्स कर दिया गया, तो वो अभी अब जब यानी इवन जो टूरिज़म के जो है जो MD हैं उन्होंने भी यानी ये एडमिट किया कि वो एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन उसको फिर भी यानी ये 17 साल पर वो लेकर गए हैं लीज़ का। तो ये ज़मीन जो है वो 12 एकड़ से एकदम 275 एकड़ पर जो जाना था वो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो बिल्कुल जिसमें यानी 5-स्टार होटल उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जबकि ये कंजर्वेटरीज़ के लिए यानी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि मुख्तलिफ यानी जानवरों के लिए और उनके लिए ये कंजर्वेटरी के तौर पर रिज़र्व रखा हुआ था जी। अच्छा, तो ये जो दूसरा इल्ज़ाम है जिसमें कि अभी आज परवेज़ खटक साहब ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ये हेलीकॉप्टर वो गोया कि वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके कोई SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है कि कैसे इस्तेमाल होना है कैसे नहीं इस्तेमाल होना है, ये एक वायबल एक्सक्यूज़ है जो आज परवेज़ खटक साहब ने दी है। कमल साहब, बींग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, मतलब एक प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव का जिस तरह उन्होंने इशारा भी किया SOPs की जहाँ तक है, तो ये कि अंडरस्टूड SOPs यानी है कि जो कि गवर्नर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर और जब यानी वो डिटेल्स भी आई हैं उसमें ना सिर्फ ये कि इवन मिनिस्टर्स ने यानी और MPs ने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी यूज़ किया, और इमरान जो PTI के यानी चेयरमैन हैं वो उनका भी यानी CM हाउस से इवन यानी एयरपोर्ट और बनीगाला तक जो है वो मुख्तलिफ दौरों में यानी वो भी यूज़ किया गया है। तो वो उसमें यानी नैब का यही है कि अभी क्वेश्चंस जो इन्होंने दिए हैं वो तकरीबन कोई 22 क्वेश्चंस हैं जो नैब ने अभी CM को दिए कि आप इसके आंसर्स दें और वो करें, तब यानी अब फर्दर पता चलेगा। हालांकि ये ऐसे कि एग्जीक्यूटिव होने के नाते ये डेफिनेटली पता होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीउल्लाह गुल, हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में जस्टिस हानी वाटर कमीशन बहुत मुतहरिक है, पूरे सिंध में काम कर रहा है, लेकिन ख्याल ये हुआ था कि इसकी हालिया एक्शंस की वजह से कराची की टैंकर माफिया पर कदगल लगेगी, कराची वालों को कुछ सुकून का सांस मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं है। करप्पति माफिया दूसरे अंदाज से एक्टिव हो गई है और सारा बोझ जो है वो कराची के गरीब लोगों की जेबों पे पड़ रहा है, पानी अब कहीं ज़्यादा महंगा हो गया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त। सिंध में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम कमीशन काम कर रहा है, ये वाटर कमीशन है जो सिंध के पीने के पानी, पानी के निकास के मसाइल को बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसके इकदाम की वजह से हालात में बेहतरी के इम्कान पैदा हुए हैं, बेहतरी आनी भी शुरू हो गई है। एक मौजूद जिसको ये देख रहा है कमीशन वो कराची में पीने के पानी का मसला है, और कराची की अरबपति टैंकर माफिया है जो कि जिसके बारे में ख्याल ये था कि शायद अब इसके स्पेसिफिक इकदाम जो अब इस जस्टिस हानी कमीशन ने लिए हैं इसके बाद ये टैंकर माफिया जो है ये शायद इसको जक पड़ेगी और कराची वालों को इस हवाले से बेहतरी होगी। लेकिन इकदामात तो हुए हैं जस्टिस अमीर हानी कमीशन की जानिब से, लेकिन टैंकर माफिया ने एक नया तरीका बना लिया है और वो भी सरकारी सरपरस्ती में कि किस तरीके से कराची वालों को लूटा जाता रहे और अरबों रुपये का ये कारोबार चलता रहे। एक बार फिर एक कमाल होशियारी से सरकारी और टैंकर माफिया का गठजोड़ हुआ है, किस अंदाज से हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी मसूद रजा की इस रिपोर्ट में। कराची में पानी की मुनज्जम या सिस्टमेटिक चोरी ना माजी में कभी रुक सकी और ना आज इस पर किसी का जोर है। ये कारोबार माजी में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के नाम पर चलता था और आज कानूनी वाटर हाइड्रेंट भी इस काले कारोबार का हिस्सा है, जिन्होंने कराची में पानी की किल्लत के मसले को मजीद संगीन बना दिया है। दस साल 15 साल से पानी नहीं है, हम बुढ़ी है, किधर से जाएगा पानी भरेगा। मुझे नौकरी नहीं चाहिए
मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ये कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक कानूनी वाटर हाइड्रेंट है, जहां घरेलू सार्फिन को 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक का वाटर टैंकर हासिल करने के लिए तमाम रात फुटपाथ पर गुजारनी है। सारी रात यहां रुकूंगा, सुबह मुझे मिलेगा टैंकर। आप सारी रात रुकेंगे यहां? रुकूंगा पानी के लिए। अब ये देखें, चादर भी लाया हूँ, तकिया में रख के आया हूँ, पूरी रात यहाँ मुझे स्टे करना पड़ेगा। शाम 5 बजे से यहाँ बैठा हूँ, आज पूरी रात खाली करूँगा, शाम से बैठा हूँ, कल सुबह जाके मुझे पर्ची मिलेगी बाई चांस, अगर उनका दिल किया तो मुझे 1400 रुपए का टैंकर मिलेगा, वरना 8,000 रुपए का टैंकर चल रहा है, वो भी नहीं आ पा रहा। 2 हफ्ते काट चुका हूँ मैं, रात दिन काट चुका हूँ, स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, घर में पीने का पानी नहीं है। कमर्शियल वाटर टैंकर जिसकी कीमत 2,000 से 4,000 रुपए है, कोई भी शहरी 21 घंटे चलने वाले इस वाटर हाइड्रेंट से किसी भी वक्त खरीद सकता है। मगर आवाम का ये पानी सारिफ को बराह रास्त नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर या टैंकर ड्राइवर को बेचा जाता है, जो इस पानी को ब्लैक करता है। पर्ची तो हम काटेंगे, मगर जो अगर ये कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, या तो टैंकर वाले से ये करेंगे बात, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर इनको फराम करेगा। यहाँ से पानी वाटर बोर्ड ने पर्ची बना के दी टैंकर के ड्राइवर को, अब ये पानी चला गया ब्लैक मार्केट में, वहाँ पर सारिफ जाए और उससे बार्गेन करे। इस कदरे छोटे वाटर हाइड्रेंट से अब तक आज की तारीख में 448 वाटर टैंकर पानी भर के जा चुके हैं, जो ओपन या ब्लैक मार्केट में 5,000 से 13,000 रुपए में फरोख। मजीद 6 घंटे में यहां से जाने वाले टैंकर्स की तादाद 500 से तजावुज कर जाएगी। कितनी गाड़ियां चली गई अब तक? ये सारी चली गई सर, सारी चली गई। जो आज वहाँ पेज है, अब तक 448 कमर्शियल टैंकर्स यहाँ से जा चुके हैं, अभी ये पूरी रात और चलेगा, ऐसा ही पूरी रात चलेगा अभी काम? पूरी रात नहीं चलते सर, 3-4 बजे तक बंद हो जाता है। अच्छा, और फिर कब शुरू होता है दोबारा? फिर 7 बजे शुरू होता है। 7 बजे, 2-3 घंटे का गैप आता है जी, फिर चल पड़ता है काम। इसका मतलब है कि अगर एवरेज 6,000 रुपए को 500 से जरब कर दिया जाए तो एक दिन में 30 लाख रुपए का पानी फरोख हुआ। इस तरह के 6 वाटर हाइड्रेंट शहर में चल रहे हैं। 30 लाख की रकम को 6 से जरब दें तो एक दिन में ये रकम बनती है 1,80,00,000 रुपए, महीने के 54 करोड़ और साल के 6,48,00,000,000 रुपए, जिसमें से वाटर बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 1,25,000,000,000 रुपए सालाना हासिल होंगे और 5,00,00,000,000 रुपए से जायद की रकम ये वाटर माफिया ले उड़ेगा। इस चोरी को रोका जा सकता है अगर वाटर बोर्ड का अमला इस पानी के मुकर्ररा निर्ख सारिफ से बराह रास्त वसूल करे और अपने पास रजिस्टर्ड वाटर टैंकर मालकान को मुकर्ररा किराए पर पानी भरने की इजाजत दे। वह एक बार फिर टैंकर माफिया इस प्रिवेल कर रही है और कराची वालों की जो दुर्गत बन रही है वो टैंकर माफिया के हाथों वो अब भी बरकरार है। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया कामरान खान के साथ। हुकूमती अराकीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम जिम्मेदारान के मुसलसल ऐसे रवैया सामने आ रहा है, ऐसा रद्द अमल सामने आ रहा है कि उनके जज्बात काबू में नहीं है। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से जो हालिया फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और फिर जो रिमार्क सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ समात के दौरान, आज इस मामले पर वाज़ह तौर पर लगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल बिफर गए हैं और आज उन्होंने एक खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने बहुत ही शदीद जज्बात का इजहार किया। इसका पूरा बैकग्राउंड यह है कि चीफ जस्टिस जनाब मियाँ साकिब निसार ने हफ्ते और इतवार को पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के खिलाफ वाइस चांसलर्स की तकरीरियों पर अस्खुद नोटिस की समात की थी और लाहौर वीमन कॉलेज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी की तकरीरी पर रिमार्क देते हुए कहा था कि अदालत के इल्म है कि इस तकरीरी में एहसन इकबाल का क्या किरदार है। इस पर उस्मा कुरैशी ने कहा था कि एहसन इकबाल के मेरे वालिद के शागिर्द हैं, मैं हल्फन कहती हूं कि तायनाती में एहसन इकबाल का कोई किरदार नहीं। उस्मा कुरैशी के मुस्ताफी होने से इनकार पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था।
آج وزیر داخلہ جناب احسن اقبال نے اسلام آباد میں سی پیک کی 5 سالہ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے اپنی لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کے اس معاملے میں بات کی اور کہا کہ ہماری بھی عزت اور وقار ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں پر الزام لگائے، اگر آپ کے پاس شواہد ہے تو چارج شیٹ کریں۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں مگر مجھ پر سفارش کا الزام لگایا گیا ہے۔ بفر گئے آج احسن اقبال۔ ہمارے اندر بھی اتنا ہی پاکستان دھڑکتا ہے جتنا کسی اور کے دل میں دھڑکتا ہے، جتنا کسی فوجی کے دل میں دھڑکتا ہے، جتنا کسی جج کے دل میں دھڑکتا ہے، اتنا ہی پاکستان ایک سیاستدان کے دل میں بھی دھڑکتا ہے۔ یہ مذاق ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہر وقت ایک کھیل بنا لیا ہے کہ لوگوں کو تذلیل کی جائے۔ وی ہیو سرو دس کنٹری وتھ ڈگنیٹی اینڈ لک دا چیف جسٹس کین سٹ آن دا بینچ۔ احسن اقبال نے سفارش کے اوپر کسی وائس چانسلر کو لگا لیا۔ آپ کی توہین ہوتی ہے تو ہماری بھی توہین ہوتی ہے۔ یو ہیو نو رائٹ کہ آپ لوگوں کو اس طرح نیم کالنگ کریں۔ یو مسٹ ایشو می چارج شیٹ اف یو ہیو ایویڈنس، پروڈیوس اٹ بیفور می۔ لیکن انف از انف، اس ملک کو چلنے دیں۔ اگر آپ اس حکومت کو شاباش نہیں دے سکتے تو آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ ہم پہ روزانہ تازیے برسائیں اور ہم کو مجرم بنا کے عدالت کچہری کے اندر یا کسی کٹہرے میں کھڑا کریں۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تھوڑے سے دیر میں ہم آتے ہیں جناب احسن اقبال، وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آیا، براہ راست اس کا تعلق جناب احسن اقبال سے نہیں تھا مگر براہ راست اس کا تعلق ان کی وزارت یعنی کہ وزارت داخلہ سے تھا۔ اور ایک بار پھر معاملہ ہے فیض آباد دھرنے کا، جو کہ پورے پاکستان کے لیے اب بھی ایک بہت اہم موضوع رہا ہے اور یہ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں تحریک لبیک کے دھرنے کو حوالے سے پھر ایک سماعت ہوئی، اور آج بھی دھرنے سے متعلق سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ہی چپتے ہوئے سوالات پوچھے، جبکہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کی سخت سرزنش کی اور ریمارک دیے کہ آپ کس طرح الگ ایک کس طرح سے ملک چلا رہے ہیں، کیا پاکستان خوف میں رہنے کے لیے بنا ہے، کوئی خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے۔ سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ دھرنے میں چیف جسٹس کو گالیاں دی گئی مگر کسی کو پرواہ نہیں، کیا سیکیورٹی اداروں کو ایسے لوگوں کے پس منظر اور ذرائع آمدن کا پتہ نہیں؟ آئی ایس آئی کی رپورٹ میں فنڈز کی معلومات موجود ہیں، کیا یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیا دھرنے والوں کے اکاؤنٹس ہیں، کیا ان کا آڈٹ کیا گیا ہے؟ اس موقع پر ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ دھرنے والوں نے چندہ اکٹھا کیا، 35,000 لوگوں نے چندہ دیا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے، یہ کیوں نہ فرض کریں کہ یہ پیسہ دشمنوں نے دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ملک دشمن ہوں۔ ججز کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، جو گاڑیاں جلائیں تشدد کریں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس موقع پر وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ دھرنے کے لیڈر خطیب ہیں۔ اس پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کیا یہ سرکاری خطیب ہیں، اس خطیب کو تنخواہ کون ادا کرتا ہے، کیا یہ غیبی قوتیں ان کو معاوضہ دیتی ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں، کیا پاکستان میں آئین ختم ہو گیا ہے، کراچی کے کھمبوں پر دھرنے والوں کے بینرز لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ ملک کو دنیا میں مذاق بنا رہے ہیں، کیا اب یہاں ڈنڈا پاور کی حکمرانی ہوگی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پیبرا کے حوالے سے ریمارکس میں کہا کہ پیبرا کی جانب سے ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کرنا صرف دکھاوا ہے، میڈیا ایسے لوگوں کو ملا ہے جن کے میڈیا کو پیبرا چھو کر بھی نہیں گزر سکتی۔ اسی کیس کی پچھلی سماعتوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد انتظامیہ اور دفاع اور داخلہ کی وزارتوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ بتایا جائے کہ عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے۔ دھرنے کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس کی سماعت ہوئی، جس پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارک دیے کہ دھرنے کی رپورٹ کے حوالے سے سیکرٹری ڈیفنس کو طلب کر کے جواب طلب کریں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ عوام کو ذہنی معاشی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 5 نومبر کو اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر یہ دھرنا ہوا تھا جو 22 روز جاری رہا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد مظاہرین کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا، جس میں سیکیورٹی اداروں اور اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے اور ملک کے مختلف شہروں میں بیک وقت مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور جس کے بعد وفاقی حکومت نے اپنے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ لے لیا تھا اور دھرنے والوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے اور پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب احسن اقبال کے ساتھ، وفاقی وزیر داخلہ، جن کا خاص طور پہ آج موضوع رہا ہے وہ معاملہ جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے تعلق ہے، خود براہ راست ان سے تعلق ہے اور ان کی حکومت کے حوالے سے تعلقات ہیں، جس کے حوالے سے آج وہ شدید غصے میں نظر آئے۔ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، بہت غصہ رہا آج آپ کو، بہت زیادہ آپ کی ہم نے ابھی تقریر سنائی بھی ہے،
वैसे तो नॉर्मली आप इसी तरह से मुस्कुराते हैं जैसे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज आप बहुत गुस्से में थे। नहीं कामरान साहब, गुजारिश ये है कि हम सब इस मुल्क के खैर खा हैं। मुझे भी 30 साल हो गए हैं, मैं अमेरिका से बेहतरीन तालीम लेकर यहाँ पर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के वसाइल को हमने दयानतदारी के साथ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए सुअर समझ के, हराम समझ के इस मुल्क की खिदमत में अपनी पूरी उम्र लगा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नज़र में एक इज़्ज़त है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, मगरब के बहुत बड़ी बड़ी पेशकशें छोड़कर इस मुल्क में आए, तो हमारी भी डिग्निटी है, अदालत की भी डिग्निटी है, जज हजरात की भी डिग्निटी है। लेकिन कुछ एक ऐसा माहौल बन गया है कि हर किसी को बेइज्जत किया जा रहा है, हर किसी की पगड़ी उछाली जा रही है और कानून का जो बेसिक एक डेकोरम है कि आप अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई तबसरा करना चाहते हैं तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर चीफ जस्टिस साहब को कोई मेरे बारे में शिकायत है तो मुझे चार्जशीट करें कि आपने फलां वाइस चांसलर के लिए क्या सिफारिश की थी, मैं जवाब दूंगा मैंने नहीं की थी। अब एक मोअज़्ज़ज़ खातून जो कि वाइस चांसलर थी, जिनके तकर्री से मेरा कोई दखल नहीं और वो गालबन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उनकी भी इज्जत है और मेरी भी एक रिस्पेक्ट है अपनी नज़र में है, उन जज साहब की नज़र में ना हो, तो आप वहाँ पर खड़े होकर मुझे कह दें कि आपने सिफारिश से किसी वाइस चांसलर को लगवाया है बगैर किसी सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, आप हमारी जो है वो मुतनाज़ा बना दें हमारे फैसलों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पिछले 5 सालों में तालीम के लिए जिस कदर कंट्रीब्यूशन की है, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को 12 अरब से उठा के हम 47 अरब पे ले गए हैं और वाई आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके पूछिए कि 2013 से पहले क्या हाल थी और आज एक पूरी पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है हायर एजुकेशन की उसमें एक नई जिंदगी आ गई है। ये तमाम रिमार्क्स जिसपे आप मोतरिज हैं, और क्या इसके लिए आपके पास भी क्या कानूनी फोरम नहीं है, कोई अदालती फोरम नहीं है, कोई और उसी पैराए का कोई फोरम नहीं है? ये अवामी तकरीर में आपने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कहा कि इनफ इज़ इनफ और हमारी भी इज्जत होती है और आपकी भी इज्जत होती है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए, तो आपने वो फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल किया जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपके हवाले से रिमार्क्स दिए गए थे? नहीं नहीं मैंने ये तकरीर जो है कोई चीफ जस्टिस साहब के लिए नहीं की थी, आज का जो फोरम था वो सीपैक के 5 सालों के हवाले से था, तो मैं वहाँ पर ये बता रहा था कि पाकिस्तान में सीपैक हमारे लिए गेम चेंजर ज़रूर है लेकिन कोई मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसमें अमन और इस्तेकाम ना हो, जब तक उसमें तमाम इदारे हारमनी के साथ काम ना करें। और चीन से हमने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं लेने, हमने ये भी सीखना है कि कैसे चाइना ने अमन के साथ और इस्तेकाम के साथ उस तरक्की के अमल को तसलसल से आगे बढ़ाया। तो इस पस मंज़र में बात हो रही थी कि हमारे यहाँ तो इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हैं और सबसे हमारा जो मौजूदा इदारा है वहाँ से चीफ जस्टिस साहब कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम कभी किसी और के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस पैराए के अंदर ये बात हुई थी कि अगर हमने डेवलप करना है तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की और पीस की ज़रूरत है, अगर ये इकोसिस्टम नहीं होगा तो 10 CPAC भी आ जाए तो वो कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन आपका फिर भी अगर आप इस हवाले से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो फोरम और इसका प्लेटफॉर्म तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना, जहाँ पर ये मामला अब भी जेर समात है, वहाँ पे ये बातचीत चल रही है, जहाँ पर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का मामला हुआ। सर वो भी तो एक अजीब बात है ना कि वहाँ पे 4 वाइस चांसलर्स लगे हैं जो कि एडहॉक हैं, सालों से लगे हुए हैं, अब अदालत कुछ ना करे तो क्या करे? देखिए असल बात ये है कि क्या वो वाइस चांसलर जो हैं कोई FA और मैट्रिक पास लगे हुए हैं? आप ये बात भी तो देखिए ना कि वो जितने वाइस चांसलर्स को बेइज्जत करके निकाला गया है वो सब हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो टीचर्स हैं इस मुल्क के। और अब कोई वाइस चांसलर अगर नहीं लग सकता तो वो किसी के कान में जाके ये कह दे कि जी फलाना वाइस चांसलर तो ऐसा लगा है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर एक राय कायम कर लें, ये भी मुनासिब नहीं है। एक देयर इज़ अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो लोग अगर आपको एतराज़ है, उनकी अहलियत पे एतराज़ है, उनकी काबिलियत पे एतराज़ है, उसको रिकॉर्ड करें, बजाय ये कि इतने पढ़े लिखे लोग जो हमारे मुल्क के अंदर पहले ही बहुत कम है उनको आप तजलील करें जैसे कि किसी क्लर्क को आप डिसमिस कर रहे हैं, ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी अदालत के शायान शान नहीं है कि वाइस
चांसलर्स जो हेड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको इस तरह ट्रीट करें जैसे एक चपरासी को भी ट्रीट नहीं करते। तो इसलिए हमें एक डेकोरम की जरूरत है, हम सबको अपने ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। मुल्क एक बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी करेंगे, एक दूसरे के साथ गुथम गुथा होंगे, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अच्छा, ये मामला तो चले, ये आप कहते हैं इसमें डिस्प्यूट है और ये मुतनाज़िया मामला है, लेकिन एक मामला जो फैजाबाद धरने का मामला है, इसमें तो किसी पाकिस्तानी को कोई इसमें कोई मुतनाज़िया ये अमर नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ी कौमी शर्मिंदगी का बाइस बना, जिस तरह से ख़त्म हुआ इसमें बेपनाह शर्मिंदगी हुई है, कौम का नाम ख़राब हुआ है, बेतहा गलीज़ मिसाल इस अंदाज से हुकूमत की रिट जो घुटने टेक गई उसकी कायम हुई है। और फिर इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में ही ये सारा मामला है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनकी बेंच जो है ये इसकी समाअत कर रही है और बहुत सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं जज साहब के, बार बार वो इस चीज़ को बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपका दिफा क्या है? वहाँ तो आपकी हुकूमत की बदनज़मी और जो एक मिसहैंडलिंग है और बहुत ही एक अजीब सी कैफियत आपने पैदा करी है, उसमें तो आप लोग फंसे हुए नजर आते हैं। ये जो तहरीक है एक लबैक के नाम से शुरू की गई, इसकी बुनियादी अगर आप तारीख देखें तो अगरचे ये इनका ओरिजिन मुमताज़ कादरी के फांसी से शुरू हुआ, लेकिन जो इनका सियासी वजूद बना वो NA 120 के इलेक्शन से बना, जो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें दो जमातों को जो दो मजहबी फ़िरकों से ताल्लुक़ रखती थी बड़ी हमायत दी गई कि ये मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काटें, ताकि मुस्लिम लीग नून का जो रवायती मजहबी वोट है वो तकसीम हो और शायद मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन हार जाए, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। तो वहाँ से जब इन्हें 8-9 हज़ार वोट पड़े तो ये फिर पेशावर में भी इसी लिए इनको खड़ा किया गया कि वहाँ पे भी शायद अगर ये ना होते तो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत सकता था ज़िमनी इलेक्शन के अंदर। अब वो एक पोलिटिकल जिन निकल आया, यही हमारा अलमिया है कि हम सियासी जो गेम्स होती हैं उसके लिए जिन निकालते हैं और वो जिन हमसे बेकाबू हो जाता है और फिर पूरा मुल्क उसकी सज़ा पाता है। तो ये एक ऐसा मसला है कि जो बहुत गंभीर है और सियासतदान पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़र्फ़ रखता है, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनकी बर्दाश्त होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी करते हैं और वो देखते भी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार ना हो, इस मुल्क के अंदर हम मज़ीद कोई आपस में इदारों की बदएतमादी का ज़रिया ना बने। तो वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, लेकिन हमने कोशिश की कि जब वो लोग आए तो एक पूरा प्लॉट ये था कि यहाँ पे एक नया साना मॉडल टाउन हो, यहाँ पर एक नया लाल मस्जिद जैसा सीन हो, जिससे हमने बचने की कोशिश की और उस दौर में एक पूरी हमें घेरे में लाने की कोशिश थी कि किसी तरीके से इस हकूमत को मेल्ट डाउन किया जाए, ये गिराया जाए। ये खेलों से हमें आगे निकलना पड़ेगा, अगर हमने 21वीं सदी में एक इकोनॉमिक नेशन बनना है तो ये खेल 20वीं सदी के थे, ये अब आज नहीं चल सकते। हमें इस मुल्क में अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाना। आप देखिए कामरान साहब, अब अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वहाँ पे भी सदर अपना 6 साल का टेन्योर पूरा करता है, कारजई साहब ने किया, अशरफ गनी साहब कर रहे हैं, हमारे 70 साल हो गए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। चले नवाज शरीफ साहब गलत थे, बेनज़ीर गलत थी, तो क्या जुनेजो साहब भी गलत थे? क्या वो ठीक नहीं थे? चलिए क्या फिरोज कानून भी गलत थे? क्या लियाकत अली भी बुरे थे? कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 70 साल में अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, दैट मीन्स के देर इज सम स्ट्रक्चरल फ्लॉ। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर दाखला हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज बड़ा भरपूर दिन गुजारा है, बल्कि एक अंदाज से किसी भी चीफ जस्टिस के लिए तारीखी दिन था। आज वो मैदानों में निकले, सड़कों पर गए, चटानों में गए और जलजला मुतासरीन के बीच जाके खड़े हो गए, एबटाबाद में, बालाकोट में, उससे मुंसलिका इलाकों में, और वहाँ पर उन्होंने एरा की क्लास ली और उन गरीबों के साथ खड़े हो गए जिनको जलजला ने तबाह बर्बाद कर दिया था और रियासत ने उनकी कोई मदद नहीं की। आज बहुत ही गैर मामूली दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजारा है, इसकी अहवाल आपको देंगे छोटे से वक्त के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज का दिन बहुत ही पुरअसर कार्रवाई में गुजारा। चीफ जस्टिस साहब आज 2005 के जलजले में तबाह हो जाने वाले शहर बालाकोट पहुंचे।
इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जलजिला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक पिटीशन की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जलजिला बहाली के इदारे एरा के हुकाम की सख्त सरजनिश की और रिमार्क्स दिए कि अरबों डॉलर्स जमा हुए मगर बालाकोट में अभी तक लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं, वो तालीम और इलाज के लिए कहाँ जाएँ। इदारों की इस कारकर्दगी पर तो नैब के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तहकीकात का केस बनता है। यह आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर 2005 को कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न में बरसगीर की तारीख का तबाहकुन जलजला आया था जिसने कई शहरों को सफाई हस्ती से मिटा दिया था जिसमें बालाकोट शामिल था। आज सुबह 8:52 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। बहुत लाशें पड़ी है अभी मलबे के नीचे हैं और बहुत लाशें दफना चुके हैं हम और पूरा शहर तकरीबन तबाह हो चुका है। बहुत ही नाजुक और हसास मामला है कि सुप्रीम कोर्ट पर दरख्वास्त गुजार ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें दावा किया है कि डोनर्स एजेंसीज ने जलजले से नुकसान का तखमीना 5 अरब डॉलर्स लगाया था। 3.5 अरब डॉलर्स आलमी सतह पर बतौर इमदाद मिले लेकिन एरा के अपने अकाउंट में 85 अरब रुपये मौजूद थे जबकि मुकामी एहतियात का तो कोई शुमार ही नहीं किया जा सका मगर रकम मुतासरीन की इमदाद पर खर्च नहीं हुई और 1640 मनसूबे नहीं बने। एरा ने 13 साल में कुछ नहीं किया। ये जो महकमा है जिसका काम सैलाब जदगान और जलजला जदगान की बहाली के हवाले से जिसकी कुल्ली जिम्मेदारी है आज सारा बोझ उस पर आया। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिए कि जलजला मुतासरीन के कम्बल तक फरोख्त हो गए। एरा में चाचे मामे भर्ती किए गए, जर्नल भी एरा में भर्ती होते रहे होंगे मगर ये मुतल्लका इदारों के लिए शर्म का मकाम है। चीफ जस्टिस ने एरा के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि बेंगे साहब जलजला जदगान के लिए जो शेल्टर्स बने क्या आप वहाँ रह सकते हैं, आप तो बंगलों में रहते होंगे। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने जो कि चीफ जस्टिस के साथ थे चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि अल्लाह ने मफाद आम्मा के लिए आपका जहन बना दिया है, आप मानसेरा का दौरा करें, अपनी आंखों से तबाही देख लें, वहाँ 13 साल बाद भी कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने पहले हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए रेट मालूम किए और फिर रिमार्क दिए कि वो अपने खर्च पर बजरिया सड़क बालाकोट का दौरा करेंगे, ढाबे वगैरह सा खाना खा लेंगे और जिसको जाना है वो हमारे काफिले के साथ आ जाए और फिर चीफ जस्टिस साहब का काफिला निकल खड़ा हुआ जिसके बाद चीफ जस्टिस भी साकिब निसार, जस्टिस उमर अतबदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह के हमरा रवाना हुए और उनका काफिला इस्लामाबाद से बालाकोट तकरीबन 4 घंटों में बजरिया सड़क पहुंचा। रास्ते में चीफ जस्टिस ने मानसरहा, बालाकोट और एबटाबाद समेत कई इलाकों के अस्पतालों और स्कूलों का दौरा किया। वो कुछ देर मानसरहा की डिस्ट्रिक्ट बार गए और मुख्तलिफ मुकामात पर चीफ जस्टिस अवाम में घुल मिल गए। एक जबरदस्त अवामी मंजर था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लोगों में घुल मिल रहे थे, काफिला उनका चल रहा था, जगह जगह पे रुक रहे थे और एक बज़ाहिर हर सूरत में उनकी कोशिश ये थी कि बज़ाते खुद वो तमाम मामलात का जायजा ले। कई जगह पर उनके हक में नारे भी लगाए जा रहे थे। मानसरहा में वकला से खिताब में चीफ जस्टिस ने बताया कि जलजले से मुतासर इलाकों के दौरे की तरगीब के पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनके साथी जज जस्टिस एजाज अफजल हैं जिन्होंने कहा कि उनके इलाके का मसला वो खुद नहीं सुन सकते मगर जलजला मुतासरीन की बहाली बुनियादी हकूक का मामला है इसलिए कोई समझौता नहीं कर सकते। बाद में चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने न्यू बकरियाल सिटी के मामले पर मानसरहा और बालाकोट के सेशन जजेस से 3 दिन में रिपोर्ट तलब की और रिमार्क्स दिए कि मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल और स्कूल फाल हालत में नहीं है, जहाँ जहाँ गया वहाँ मायूसी मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं पंजाबी में कुछ कहूँ तो यहाँ कख भी नहीं हुआ।
कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा गैर मामूली दिन था जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन मैदानों में, इन पहाड़ों में, इन संगलाख चट्टानों में गुजारा, आवाम के साथ घुल मिल गए, जहां पर उनके हक में जबरदस्त नारे लगाए गए। एक अजब मंजर था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर मलिक उनके साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, बताइएगा थोड़ा सा मंजर कशी कीजिए, जो आप लोग इस्लामाबाद से निकले फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, क्या मंजर था? खान साहब, जब हम निकले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के साथ, तो तकरीबन 4.5 घंटे में मानसेरा पहुंचे, जहां पर पहला पड़ाव उनका पड़ा THQ हॉस्पिटल था। वहां पर डॉक्टर शाइस्ता ने उनको ब्रीफिंग दी, और ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि यह हॉस्पिटल 2005 में जो जलजला आया था उसमें तबाह हो गया था, उसके बाद अभी तक इसकी जो बाकायदा इमारत जो तामीर होनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी संगे बुनियाद रखी जा चुकी है, जिस पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। उसके बाद करीब में ही एक लजीज हॉस्पिटल था, वहाँ का दौरा किया उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर भी लोगों की जो मुश्किलात थी उनका शिकायत सुनी गई, इसके साथ साथ डॉक्टर्स के हवाले से लोगों ने शिकायत की। करीब ही एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके भी लोगों ने शिकायत का एक अंबार जो है वो चीफ जस्टिस के सामने लगा दिया। कागजात की सूरत में एप्लीकेशनें जो हैं वो लोग उनको देते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तमाम लोगों की एप्लीकेशनें भी वसूल की, उनकी बातें भी सुनी। जब वो स्कूल में दाखिल हुए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो शहदा थे बालाकोट के उनके लिए दुआ भी की। फिर वहां से वो रवाना हुए और जो बालाकोट के शेल्टर लगाए गए हैं, जब जलजला आया उसके बाद तबाहकारियों यहां पर उसके बाद शेल्टर दिए गए थे, उन शेल्टर के ऊपर उनको एक ब्रीफिंग दी गई। फिर उन्होंने उस शेल्टर के ऊपर ब्रीफिंग में कहा कि क्या ये मजबूत बनाए गए हैं, उस पर शहरियों की जानिब से यह कहा गया कि यह किसी सूरत में भी मजबूत नहीं है, इसमें भी जो है खुर्द बुर्द किया गया है। जब वहां से निकले तो उसके बाद वो पहुंचे फिर एक जो बालाकोट सिटी बननी थी बगरियाल के करीब, वहां पर जहां पर डीजी एरा की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई, और उस पर उन्होंने कहा कि डीजी एरा को फौरन का आपको 3 रोज में हम वहां पर बुलाएंगे और आपकी बात सुन लेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने जो तीनों सेशन कोर्ट के जजेस थे उनको कहा कि आप भी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हमारे पास वहां पर पहुंचे। वो साथ साथ थे तो उनकी अच्छा लग ये रहा है कि काफी दुर्गत बनती रही। जी बिल्कुल खान साहब, जब उन्होंने कहा कि इस पर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करना था और ये कुछ उन्होंने अमाउंट स्पेसिफिक का बताया, तो उन्होंने कहा हम इस अमाउंट के हवाले से भी आपसे पूछ लेंगे, हम आपको इस्लामाबाद में तलब कर लेंगे। साथ ही तीनों जो जजेस थे सेशन कोर्ट के उनको कहा कि आप तमाम तर रिकॉर्ड लेके मेरे पास 3 दिन में आए और इसके ऊपर रिपोर्ट तफसीली जो है वो जमा करवाएं। तो उनका ये भी कहना था कि जिस तरह ये तमाम तर आप मुझे चीज़ें बता रहे हैं और आप मुझे लग भी पंजाबी रहे हैं, तो उससे तो मैं आपको यही कहूँगा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरह से आपने तमाम तर बातें बताई हैं कुछ होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो उसके बाद वहां से निकले और फिर वो मनसेरा के एक अस्पताल में पहुंचे, आगा खान अस्पताल जो था, वहां पर डॉक्टरों से मुलाकात की, ब्रीफिंग ली, उसके बाद वहां पर भी लोगों ने शिकायत की। फिर उसके बाद एबटाबाद पहुंचे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, वहां पर भी डॉक्टरों ने ब्रीफिंग दी, वहां पर सरजनिश भी की कि जो लोग हैं वो किस तरह से यहां पर आते हैं, बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस साहब जाते रहे, लोग जमा हो गए थे और वहां पे कुछ नारेबाजी वगैरह भी हो रही थी। खान साहब, बड़ा अच्छे किस्म का रिस्पांस जो है वो आवाम की जानिब से चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को मिला, उनके हक में नारे लगाए गए, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद मना किया कि वो अपने नारे लगवाने यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए गए तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये नारे ना लगाएं, मैं आप तमाम लोगों की यहाँ पर बात सुनने आया हूँ और बात सुनकर ही यहाँ से जाऊँगा। इसके साथ साथ जितने लोग थे, जब उनकी गाड़ी को घेरे में लिया गया तो फिर वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने हाथ हिलाया, उसके बाद बैठ कर वापस एबटाबाद की जानिब रवाना हुए। इस वक्त एबटाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने खाना खाया है, और अब से कुछ ही देर में जो उनकी गाड़ियों में फ्यूल कम था वो फुल करवाया गया है, अब से कुछ ही देर में यहां से रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक हमारे साथ थे, और बड़ा पुरजोश अंदाज रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, गैर मामूली मनाजिर हैं जो कि आज देखने में आए हैं। किसी भी चीफ जस्टिस का इस किस्म का दौरा कम अज़ कम मेरी नॉलेज में नहीं है। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में एक ज़बरदस्त गर्मजोशी देखने में आई है। दहाइयों तक एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, एक के दूसरे के खिलाफ जंग भी लड़ी है पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ अमेरिका का हिस्सादार बन के, मगर अब ताल्लुकात यकसर बदल गए हैं। इसकी पूरी तफसीलात हमें देंगे वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक छोटे से वक्त के बाद। रूस और पाकिस्तान कई दहाइयों तक एक दूसरे के सख्त हरीफ रहे। पाकिस्तान ने रूस के साथ एक
बिलावास्ता जंग में भी हिस्सा लिया जो 80 की दहाई में जारी रही, लेकिन दुनिया के ताल्लुकात में, मुमालिक के ताल्लुकात में मफादात तारीख पे हावी हो जाते हैं। इस वक्त दोनों मुमालिक के मफादात यकजा होते नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह खित्ते की सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है और दोनों मुल्कों के साथ अमरीका के मखसूस ताल्लुकात हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान के कई अहम वफूद हालिया दिनों में रूस पहुँचे। सबसे पहले पिछले हफ्ते कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान झंझुआ रूस गए थे, जहां मॉस्को में उनकी रूस के आला तरीन हुकाम के साथ बहुत अहम मुलाकात हुई। ये बहुत अहम वफ़ था जिसमें जनरल नासिर खान झंझुआ के साथ पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम भी गए थे। इसके अलावा अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मॉस्को में हैं, आज उनकी रूस के अफवाज के सरबराह से मुलाकात हुई है। कई और बहुत अहम मुलाकातें जनरल कमर जावेद बाजवा की मॉस्को में होनी है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स है जिसमें लगता यह है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में कुर्बत बढ़ रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हवाले से एक दूसरे से कुर्बत बढ़ रही है और सबसे अहम बात यह है कि दोनों मुल्कों के फौजों के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा इस वक्त वो कैफियत नज़र आई है जो इससे पहले देखने में नहीं आई। पाकिस्तान की फौजों ने जॉइंट मशकें की हैं रूस की फौजों के साथ और फिर पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कमांडोज ने भी रूस की कमांडोज के साथ एक भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें की हैं जो कि इससे पहले कभी देखने में नहीं आई हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताल्लुकात में बेहतर होने के बाद अब माशी ताल्लुकात में भी बेहतरी की इत्तलात हैं। और ख़बरें यह हैं कि रूस का एक बहुत अहम वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से पाकिस्तान जल्द आने वाला है। पाकिस्तान और रूस के मौजूदा ताल्लुकात, उसकी अहमियत, उसका बैकग्राउंड और इसमें ख़ास तौर पे जो सी पैक के हवाले से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में एक नई तेज़ी है, बहुत बेहतरी है और जो बहुत ही दोस्ती की जो शिद्दत है उसमें नुमाया इजाफा हुआ है। ख्याल ये है कि पाक रूस ताल्लुकात में चीन का भी एक अहम फैक्टर रहा है। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब अब से एक माह कबल रूस में ही थे और कल हमारी इत्तला के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा की उनसे चाइना में मुलाकात भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नासिर खान झंझुआ गए, फिर आर्मी चीफ गए, मार्च में आप वहाँ गए थे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, हमारे नाज़रीन को समझाइए कि रूस पाकिस्तान के दरमियान ये क्या हो रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 4-5 साल से जो है ग्रेजुअली जो हमारे रूस के साथ ताल्लुकात हैं उसमें बतदरीज जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है और अल्लाह का फजल है इस वक्त जहाँ पे हमारे ताल्लुकात खड़े हैं उसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है। उसमें हमारे कोऑपरेशन जो है इंटरनेशनल फोरम्स पे जो डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। हमारे जो डिफेंस रिलेटेड जो रिलेशनशिप है उसमें भी बड़ी मजबूती आई है। हम उनसे कुछ इक्विपमेंट भी खरीद रहे हैं, कुछ खरीदी जा चुकी है और इसके अलावा जो एंटी टेररिज्म के ऊपर हमारा उनके साथ बड़ा करीबी जो है वो तआवुन है। इस दौरान जो है जॉइंट एक्सरसाइजेस भी उनकी अफवाज की और हमारी अफवाज की इसमें आर्मी की भी हो चुकी है, नेवी की भी हो चुकी है। तो विजिट्स जो हैं वो बड़े रेगुलर हो रहे हैं। मेरी कल फॉरेन मिनिस्टर लेवरोफ से एक मुलाकात जो है वहाँ पे गैर रस्मी मुलाकात जो है एससीओ की जो मीटिंग थी वहाँ पे भी तफसीलन उनसे गुफ्तगू हुई है इस मसले के ऊपर कि जो हमारे हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हैं पाकिस्तान में और रूस में वो जारी रहने चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये एक बड़ा एक इम्पेरेटिव था कि हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त करते। हमारे रीजन के का वो एक मुल्क है, एक बड़ी ताकत है। हमारे जो रीजन के जो मफादात हैं चीन के साथ, रूस के साथ और दूसरे जो हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ वाबस्ता हैं, तुर्की के साथ वाबस्ता हैं, ईरान के साथ वाबस्ता हैं। हम अपने फॉरेन रिलेशन में को बिगाड़ ना पैदा करें लेकिन एक तवाजन जो है वो जरूर बरकरार रखें और उस तवाजन के की ये एक तो ख्वाज साहब ये अब मुलाकातें तो बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हो रही हैं। आर्मी चीफ आज, दो दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को में, कल आपसे रशियन फॉरेन मिनिस्टर
चाइना में मिले, मार्च में आप मॉस्को गए थे, अब इन मुलाकातों से आगे वो ऐसी चीज़ें जो कि आवाम को नज़र आएँ रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से, कोई टेंजिबल चीज़ें जो नज़र आएँ, वो क्या हो सकती हैं, वो कब नज़र आएंगी? देखिए हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी जो है ना उनके साथ जो है इंक्रीज हो रही है, वो इंटरेस्टेड हैं इस वक्त जामशोरो और मुजफ्फरगढ़ दोनों जो हमारे बिजली घर हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हो गए हुए हैं, वो उन्होंने ही लगाए थे आज से कोई 3-4 दहाइयाँ कबल जो है उनको वो रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर हमारे साथ गैस प्रॉम जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है वो तावन बढ़ाना चाहती है। मैं आज से कोई महीना डेढ़ महीना पहले वहाँ पे गया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हमारी हुकूमत के उनके साथ बदस्तूर एक सिलसिला चल रहा है जिसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें एलएनजी की इंपोर्ट है, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, इस तरह ये बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रूस हमारी मदद कर सकता है और हम भी रूस की जो है मदद जो है खसूसन सफारती सतह के ऊपर उनकी मदद जो है हम एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हों। अच्छा, और कोई हम खालिस रूसी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में देख सकते हैं, उनके इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह करें, इसका भी कोई इम्कान है? ये वक्त लगेगा खान साहब, ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये ओवरनाइट तो सामने नज़र नहीं आती, जिस तरह पिछले 3-4 साल में सीपैक जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो आज उसकी तमाम तर जो शहादतें हैं वो मयसर हैं हमें कि ये एक प्रोजेक्ट जो है वो उसका जो अर्ली हार्वेस्ट के सारे जो प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन तकमील होने के करीब आ गए हैं। ये तकरीबन 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में बतदरीज आ रही है। इसी तरह रूस के साथ भी जब कोऑपरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और मेरे ख्याल से कि लॉन्ग टर्म में हमें रूस के साथ जो है जो ताल्लुकात हैं उसके डिविडेंड जो हैं स्ट्रेटेजिक डिविडेंड भी होंगे और इकोनॉमिक डिविडेंड भी होंगे और वो पब्लिक को नजर आने शुरू हो जाएंगे और पब्लिक को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी माजी में जो पॉलिसीज रही हैं 6-7 दहाइयों में वो उनमें तवाजन नहीं रहा। हमने जो सारा कुछ जो है सब कुछ लगा दिया अपने अमरीका के साथ ताल्लुकात पे और अमरीका जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करते हैं वो आपको भी पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब में खास तौर पर पाकिस्तान भर में ये निज़ाम है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, बच्चे भरपूर मेहनत करते हैं, बेहतरीन नंबर्स लाते हैं इसलिए कि उनके प्रोफेशनल कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो जाए, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन अब निज़ाम ये तरतीब दिया गया है ख़ास तौर पर पंजाब में भरपूर अंदाज में कि एक और इम्तहान देना पड़ता है उन्हीं सब्जेक्ट्स का जो कि सालाना इम्तहान हुआ है, उन्हीं सब्जेक्ट्स का उसी अंदाज का एक इम्तहान देना पड़ता है और एक बार फिर बच्चों को इस इम्तहानी चक्की में पीसा जाता है, मगर इसके पीछे करोड़ों का अरबों रुपए का धंधा है, मेरिट का कत्ल हो जाता है। इस सिलसिले में पंजाब में अब एक डेवलपमेंट हुई है जिसको एड्रेस करेगी पंजाब में तालीमी निज़ाम पर खुद हुकूमत का जो अदम एतमाद है उस पर, इसकी तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम का ये बुनियादी उसूल था कि सानवी तालीम के बाद जो बेहतरीन बच्चे होते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, जिसके बाद उनका प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला होता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनको दाखिला मिल जाता है, मगर अब ऐसा नहीं है, ये सूरत हाल बदल चुकी है क्योंकि इंटरमीडिएट में अच्छे ग्रेड्स के बावजूद दाखिला टेस्ट का पास करना भी ज़रूरी होता है और एक एंट्री टेस्ट के नाम पर खसूसन पंजाब में ये एंट्री टेस्ट एक तालीमी घोरक धंधा बन चुका है। पंजाब के इंतहामी निज़ाम में तालीमी इदारों के अदम एतबाद के बाइस साल भर पढ़कर अच्छे ग्रेड्स देने वाले ज़हीन स्टूडेंट्स को भी अब मेडिकल में दाखिले के लिए MCAT और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए ECAT देना पड़ता है, यानी कि आपने कोई भी ग्रेड लाया हो, जितनी भी मेहनत की हो इंटरमीडिएट में, मगर आपको इन दो एंट्री टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS की कुल 5,500 सीट्स हैं, लेकिन 2016 में 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए टेस्ट दिया था। पिछले साल पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट के MCQs आउट हो गए थे, जिसके बाद एक 12 रुकनी ग्रोह गिरफ्तार किया गया था और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जुनेद सरफराज और कंट्रोलर इम्तहानात
साइमा तबस्सुम को नौकरी से निकाल दिया गया था और ये बात सामने आई कि ये एंट्री टेस्ट ही जो है ये एक गोरख धंधा है जिसके बाद नकल करने वाला ये माफिया मालदार बन गया और इसके बारे में पता ही चला कि ये टेस्ट पास कराने के लिए फी तालिब इल्म 12 लाख रुपए तक वसूल करता है। गोया कि एक फुल फ्लेज्ड रैकेट है जो कि इस एंट्री टेस्ट के नाम पर चल रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट का मामला कितना संगीन है और पंजाब में कितनी शिद्दत से तलबा को ये मुतासर कर रहा है, हम आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं अपने लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी रहा है, लेकिन इसकी जरूरत और शिफाफियत पर सवालात उठते रहे। एंट्री टेस्ट मुतारिफ कराने के पीछे क्या मंतक थी ये वाजिया नहीं, लेकिन शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। कम नंबरों वाले बच्चे पोजीशन होल्डर बच्चों से इसी टेस्ट में ज्यादा नंबर लेते, जबकि पोजीशन होल्डर बेचारे नंबर कम होने की वजह से तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं। एंट्री टेस्ट सवाए स्टूडेंट की एक्सप्लॉयटेशन, पेरेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन और निजाम की एक्सप्लॉयटेशन के अलावा है ही कुछ नहीं। ये एक चंद अकेडमी माफिया या इदारों का मतलब बनाया हुआ एक ढोंग है जिसमें आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बिलियंस एंड ट्रिलियंस जनरेट करने के लिए क्या किया हुआ है। उन्होंने ये किया हुआ है कि वो लोगों को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को एंटी टेस्ट के नाम पर जनरेट करवाते हैं। तलबा पूछते हैं कि इंटर का इम्तहान देने के बाद इनसे दोबारा इम्तहान की जरूरत क्यों पेश आई, क्या हुकूमत को अपने इम्तहानी निज़ाम पर भरोसा नहीं या फिर कुछ अफराद को फायदा देने के लिए ये निज़ाम राइज किया गया। एक स्टूडेंट जो है वो 2 साल में इतनी मेहनत करता है, उससे पहले उसने मैट्रिक तक मेहनत की होती है, क्या उसकी 12 साल की स्टडी को अब 2.5 आवर्स में जो है ना वो जज करना चाहते हैं। एंट्री टेस्ट में वो 0.5 की वजह से या 1% या 2% मार्क्स की वजह से वो रह जाता है और कई लोग यहाँ पे सुसाइड जो है वो कमिट कर लेते हैं किस वजह से कि जी उनका एंट्री टेस्ट पास नहीं हुआ। एफएससी की जो एकेडमी है वो हम 2 साल पढ़ते हैं जबकि एमकैट की एकेडमी के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 माह मिलते हैं मुश्किल से और उसकी भी फीस इतनी ज़्यादा होती है जो कि एक आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पंजाब में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MD CAT का पर्चा बनाने की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सुपुर्द है। ये इल्जाम भी सामने आए कि एंट्री टेस्ट के पर्चे कई साल से मखसूस लोगों के हाथों बिक रहे थे। गुज़िश्ता साल तलबा जब सड़कों पर आए तो फिर पंजाब हुकूमत लंबी नींद से जागी और तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि पर्चा तो 4 साल से लीक हो रहा है, लेकिन हुकूमत फिर भी इस निज़ाम को बंद या तब्दील करने पर तैयार नहीं हुई। नतीजा ये कि नौजवानों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। पहले हमारे माँ बाप कॉलेजेस की फीस अफोर्ड करें, कॉलेजेस को अफोर्ड करें, उसके बाद वो पेपर्स भी हम खरीदें, पेपर्स खरीदने के बाद हम इन अकेडमीज में जाएं जहाँ पे उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, उसके बाद दोबारा से हमारे पास इसका कोई कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम इसमें पास होंगे भी या नहीं होंगे। पैसे भी मेहनत कर करके 990 मैंने नंबर लिए, जब MCAT की बारी आई तो हमारे नंबर ही नहीं आ सके। MCAT और ECAT के जरिए हमने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो अगर जो हम FSC में मेहनत करते हैं, नंबर लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, अब डायरेक्ट MCAT के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों ये मामला पंजाब असेंबली में भी उठा, देखना ये है कि क्या वहाँ से इस मसले का कोई हल निकलेगा या नहीं। मसले का हल निकालने की कोशिश की है पंजाब असेंबली की खसूसी तहकीकाती टीम ने जिसने कि MCAT और ECAT का ये रैकेट और ये गोरख धंधा इसका भांडा फोड़ा है और इस हवाले से वाज़े तौर पे लगता है कि ये न सिर्फ मेरिट का कत्ल है बल्कि ये एक माफिया है जो कि 1 करोड़पति बिजनेस चला रही है और हुकूमत पंजाब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लगता है कि इसकी माविन है। इस पूरी सूरत हाल में बड़ा फाल किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ असलम इकबाल ने जो कि इस खसूसी कमेटी के रूह रवा भी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ असलम इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। फरमाइएगा कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं अगर हम उसको मुख्तसरन बयान करें, लगता यह है कि ये MCAT और ये ECAT जो है ये एक रैकेट है, ये सही है, ये MI right? जी कामरान भाई बहुत शुक्रिया। मैं तो ये तवक्का कर रहा था कि इस मैटर को बहुत पहले टेकअप कर लिया जाना चाहिए था। कुछ मखसूस माफिया अकेडमिया वाले जो अकेडमी वाले हैं वो उसको पेपर्स को बेचते हैं, बच्चों के माँ बाप का इतसाल करते हैं, उन्हें लालच देते हैं कि स्पेशली माँ बाप आपके बच्चों को तैयारी करवाएंगे। इसके लिए वो एक काम ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जहाँ पर पेपर बनता है उस पेपर को वहाँ से लीक किया जाता है। ये एक बड़ी मज़ेदार कामरान भाई स्टोरी है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। जब ये कमेटी बनी और इस कमेटी के अंदर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर को भी बुलाया और उसके साथ साथ दूसरों को भी बुलाया तो उसके अंदर जो उसके कंट्रोलर थी डॉक्टर नूर फातिमा वो आई कमेटी के सामने, क्योंकि ये फुल फ्लेज कमेटी थी। इस कमेटी के अंदर अपोजिशन की नुमाइंदगी भी हम लोग कर रहे थे और गवर्नमेंट के मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, तकरीबन 12 हम मेंबर थे।
उन 12 मेंबर्स में हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तमाम चांसलर्स को बुलाया, सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स को बुलाया। साहब अगर इसको थोड़ा आप मुख्तसरन इसकी जो जिस्त है अगर बयान करें प्लीज, जो इसका जिस्त है इसकी प्लीज। मैं मुख्तसर कर देता हूँ। जब हमने डॉक्टर नूर फातिमा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की कंट्रोलर थी, उनको कमेटी के सामने हमने कहा जी आप बयान करें, अपना नुक्ता नज़र बयान करें, तो जब उन्होंने नुक्ता नज़र बयान किया तो ये हमारे लिए सबके लिए कमेटी में बैठे हुए तमाम मेंबर्स के लिए, उन्होंने ये जो नुक्ता नज़र बयान किया वो एक चार्ज शीट थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए। उन्होंने बांगे दोहल कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी से पर्चा आउट होता है क्योंकि मुझे बाईपास किया जा रहा है पिछले 8-10 साल से, जितने अरसे से यहाँ पर मैं कंट्रोलर हूँ, जो वाइस कंट्रोलर जो नीचे हैं असिस्टेंट कंट्रोलर उनके साथ मिलकर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो आपस में मुकमका करते हैं और प्राइवेट जो अकेडमियों वाले हैं उनके साथ मिलकर पर्चे को आउट करते हैं और मुझे इस मामले में कॉन्फिडेंस में पर्चा बनाते हुए कभी भी नहीं लिया गया। वो इतनी बड़ी चार्जशीट थी गो के जब हमने उसके मिनट्स वगैरह रिकॉर्ड किया हमने उसको उसके तो गोया के ये एक पूरा एक किसी हैंडल था जो के सामने आ गया है और अब वो आप लोग भी अपनी रिपोर्ट में सामने ले आए हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, अब होना क्या है इसमें, मतलब इससे छुटकारा कैसे हासिल होगा? अच्छा मैं गुजारिश यह है क्योंकि हमने असेंबली ने यूनानिमस डिसीजन के साथ पूरी असेंबली ने पहले कमेटी ने जो 12 मेंबर पर मुश्तमिल थी जिसमें अपोजिशन हुकूमत के नुमाइंदे थे उन्होंने तमाम ने इसको पास कर दिया। पास करने के बाद असेंबली के अंदर ले किया और पूरी असेंबली ने 372 का आह्वान जो असेंबली का उस दिन जितने मौजूद थे सबने इसको टेकअप किया और सबने कहा कि इसको इस एंट्री टेस्ट की जो परसेंटेज है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि 10% जो है वो एंट्री टेस्ट के होने चाहिए, 20% मैट्रिक के मार्क्स होने चाहिए और 70% इंटरमीडिएट के मार्क्स होने चाहिए। वजह यह है कि थोड़ा सा ये मैं आपको कामरान भाई बताता चलूं कि जो बच्चा डेरा गाजी खान से बच्चा एग्जाम पास करते हैं वो मुल्तान में किस तरह से आके टेस्ट देगा, क्योंकि टोटल 13 सेंटर बनते हैं पूरे पंजाब के अंदर और वो गरीब का बच्चा अगर नंबर भी ले ले तो उसके पास पैसे नहीं है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करे, तो कई बच्चे वैसे ही रह जाते हैं कि वो जाते ही नहीं है और 65,000 बच्चा एंट्री टेस्ट में अपीयर होता है और पूरे कॉलेजेस के अंदर 6,500 के करीब प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के अंदर बच्चों ने एडमिशन लेने होते हैं, 60,000 बच्चों की फीसें जो हैं वो अकेडमी माफिया की जेबों में जाती है। बहुत शुक्रिया जनाब मियां असलम इकबाल, हमें बहुत पुरअसर अंदाज में केस बता रहे। साफ है कि ये एक स्कैंडल है, ये एक रैकेट है और ये इसका भांडा फूट चुका है। पूरी सूबाई असम्बली ने पंजाब ने इसके खिलाफ इस रैकेट के खिलाफ एक जबान होकर बात की है। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब को इस मामले को PMDC के साथ टेकअप करना है मगर ना जाने क्यों वो इस रैकेट को जिसका ताल्लुक पंजाब के हर बच्चे से है जिसने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है मगर इसको टेकअप नहीं किया जा रहा है अभी तक पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के साथ, मगर इसका मसले का फौरी हल जो है वो ढूंढना ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।